सो दिस इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग. हमने ऑलरेडी फंक्शन माउथ माउथ का फंक्शन पढ़ लिया है. इसके अंदर क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. नाउ जो सेकेंड ऑर्गन जो बचता है ईसोफेगस. लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये है हमारा माउथ. ये जो है ये है नेजल कैविटी, नाक, यहाँ नेजल कैविटी. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेजल कैविटी का ये जो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके मर्ज हो जा रहा है. और जहाँ पे मर्ज होता है उसे कहते हैं फेरिंग्स. क्या कहते हैं? फेरिंग्स. सो दिस इज फेरिंग्स. व्हाट इज फेरिंग्स? कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. ये वो जगह पे है जहाँ पे एयर एंड फूड का कॉमन पैसेज होता है. इसके बाद यहाँ से विंड पाइप बनता है, जैसे लैरिंग्स और या ट्रेकिया जो बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ब्रीदिंग में. तो फेरिंग्स, इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. ओके, इसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा. सो दिस इज ईसोफेगस. ईसोफेगस का क्या फंक्शन है? व्हेन यू राइट यू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. फिर आप एक एक ऑर्गन सेपरेट लिखना और उसका एक एक फंक्शन अलग. तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है माउथ का, तो उसका नंबर वन. सेकेंड इज द ईसोफेगस. ना, ईसोफेगस ये जो है कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है. डू नॉट रिलीज एनी काइंड ऑफ एंजाइम. इसके लिए इसमें कोई भी डाइजेशन, जरा किसी भी तरह का डाइजेशन इसमें नहीं होता है. सो इट डू नॉट परफॉर्म एनी डाइजेस्टिव प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम. तो फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी टू स्टमक. सो डाइजेशन कहाँ नहीं होता है? इसोफेगस में नहीं होता है. इसका फंक्शन क्या है? ये खाने को पहुंचाता है फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टमक. इसीलिए ईसोफेगस का जनरल जो नाम है वो फूड पाइप भी है. एंड प्लीज डू नॉट यूज दिस वर्ड, इट्स जस्ट अ जनरल नेम. व्हेनेवर यू राइट द आंसर यू ऑलवेज यूज द वर्ड ईसोफेगस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज स्टमक. स्टमक थर्ड ऑर्गन. शेप क्या है? जे शेप होता है. लोकेशन कहाँ है? बिलो द डायफ्रेम. डायफ्रेम जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड, तो ये है डायफ्रेम. इट सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ द डायफ्रेम को जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है जे शेप बैग होता है एंड इट इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, इट कंपोजिशन इट रिली ओके स्टमक जो है इट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस. अगेन इट इज कॉमन टर्म,
इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टमक क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस. ये जो जूस है वो सिंगल कंटेंट सिंगल चीज से नहीं बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स. नाउ व्हाट आर दोज थिंग? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ओके, सो नाउ इट हैज थ्री कंपोनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, पेप्सिनोजेन. ओके, नंबर टू, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नंबर थर्ड, म्यूकस. Okay, so these are the three content of gastric juice. Now we will study it, each one of them one by one. Number one is pepsinogen. Ab pepsinogen jo hai, ye inactive form hai. To iska active form kya hai? Pepsin. Theek hai? So now, what is pepsin? पेप्सिन जो है इट डाइजेस्ट प्रोटीन. इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन. Yeah, small peptides. Okay. So pepsinogen inactive form है, pepsin इसका active form है. ये क्या है? एक protein digestive enzyme है. Enzyme क्या है? मैंने already starch में बताया था salivary amylase में कि ये किसी भी chemical reaction की speed को बढ़ा देता है. यहाँ पे कौन सा reaction है? Conversion of protein into the peptides. आप इसको एक chemical reaction के form में भी लिख सकते हैं. Like this, जैसे प्रोटीन एरो पेप्सिन. एक पीएच पे काम करता है, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. इट इज 2.5 इंटू पेप्टाइड्स. नाउ HCl. HCl जो है जिस पीएच का ये प्रेजेंट होता है स्टमक में, दैट इज 2.5 पीएच है. किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो पीएच में मेजर किया जाता है. एंड इसका जो पीएच है वो 2.5 है. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. इतना स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत हमारे स्टमक में क्यों है? क्योंकि ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है. इसको इस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पीएच की जरूरत होती है वो क्या है? 2.5 है. और वो पीएच कौन प्रोवाइड करता है? दैट पीएच इज प्रोवाइडेड बाय दिस HCl. सो द फंक्शन इज इट प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन या टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन into pepsin. Okay? Now, अभी acid बहुत strong है और हमारा stomach का जो lining है वो बहुत delicate है. तो definitely अगर HCl वहाँ बहुत देर तक present होगा तो हमारे stomach की lining भी destroy हो जाएगी, damage हो जाएगा. तो ऐसा ना हो हमारी body जो है protective measure लेती है. तो जो inner layer of stomach है वो चिपचिपा सा substance release करता है जिसे कहते हैं mucus. It is released by the inner layer of stomach. Iska function hai protect lining of stomach from HCl. Simple.
दीज थ्री ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन, HCl, म्यूकस. पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? 2.5 pH ऑफ HCl. इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना. HCl एक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, म्यूकस स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है. सबसे पहला डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ होता है? दैट इज स्टमक में. ओके, सो दिस इज स्टमक. नाउ थर्ड, यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टमक से जो खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अब खाना स्टमक से कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. ना, बिफोर गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन हम कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे जिनके पास जो वो केमिकल कंपाउंड या वो एंजाइम रिलीज करता है जिसके हेल्प से इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है. देखो यहाँ ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन जगह का एंजाइम आता है. जैसे स्टमक के तीन रिलीज है, वैसे इंटेस्टाइन के अंदर तीन अलग अलग प्लेस के एंजाइम्स एंटर करता है. ये है लीवर. लीवर में यहाँ पे देखो प्रेजेंट है गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर का जो सिक्रीशन है वो कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द बाइल डक्ट. ये देख रहा हूँ दिस, तो ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इधर देखो ये पैंक्रिया. पैंक्रिया का जो है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, वो भी कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने एंजाइम रिलीज करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द गाल ब्लैडर प्रेजेंट इन द लीवर विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट. देन फ्रॉम द पैंक्रिया इट रिसीव्स पैंक्रियाटिक जूस. देन फाइनली खुद इसका एंजाइम. तो दो तीन अलग अलग जगह का सिक्रीशन इसके अंदर आता है. इसकी वजह से इसके पास वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने सबसे सिंपल बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई इन द इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल बी स्टडिंग इज लीवर एंड गाल ब्लैडर. Now, गॉलब्लैडर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस, ठीक है. बाइल जूस कहाँ एंटर करेगा? एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. With the help of bile duct. इसका फंक्शन क्या है? जब खाना या partially digested food stomach से small intestine के अंदर enter करता है, उस time पे वो जो food का pH जो होता है वो acidic होता है. अब लेकिन पैंक्रिया जो है एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको पीएच चाहिए होता है बेसिक अल्कलाइन. अब वो बेसिक पीएच कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि खाना तो एसिडिक है, स्टमक से आया है, तो उसको बेसिक पीएच जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है बाइल जूस. ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? प्रोवाइड बेसिक और अल्कलाइन मीडियम to activate
पैंक्रियाटिक एंजाइम. ओके, दूसरा फंक्शन. द फंक्शन ऑफ बाइल जूसेस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. What it does? Emulsification of fat. Now the what is meaning of emulsification? जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो जो फैट होता है वो काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, और इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है जो इस फैट को डाइजेस्ट करता है, वह लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है. तो उसके लिए बाइल जूस उसे हेल्प करता है. इट इज़ अ हेल्पर. इट हेल्प पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऑल्सो, एंड इट हेल्प इंटेस्टाइनल एंजाइम ऑल्सो. सो इस लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में या ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन. दैट इज कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉल वन, so that pancreatic and intestinal enzyme can digest fat. Okay, so this is the function of bile juice. ये basic medium provide करता है pancreatic enzyme के लिए, और फैट को इमल्सिफाई भी करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पर वन मार्क का क्वेश्चन भी आया है. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल वन. लार्ज फैट ग्लोब्यूल का कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को ही डाइजेस्ट कर पाता है इसकी वजह से. सो नाउ वी हैव फिनिश्ड फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लीवर. नाउ we will be studying pancreatic pancreas and the juice it releases, that is pancreatic juice.